मोहम्मद शफी है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, जैसे कि 3 महीने लॉकडाउन था जिसके कारण जो है ना बहुत से लोगों का बिजनेस नहीं चला है और बहुत से जो लोग जो है ना जॉबलेस हुए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 3 महीने का करंट का बिल अगर एक ही बार में दिया जा रहा है पावर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 3 महीने एक ही बार देने से जो स्लैब रहेगा वो बढ़ जा रहा है। जैसे कि अगर 1 महीने में 200 यूनिट रहेगा, अगर 3 महीने के बाद में बिल आएगा तो 600 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ना स्लैब बढ़ जाएगा यूनिट का। ये गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर जो पैसे वाला है वो तो पे करेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको पे करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी इसमें। और हो भी सकता है कि कोई जो है ना ये सुनेगा और उसको जो है ना पैसे के टेंशन में कुछ हो जाए, तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो बेटर ऐसा रहेगा कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि यूनिट पे कितना प्राइस रहेगा और ना कि स्लैब वाइज चार्जेस करे। और बहुत से ज़्यादा ऐसा भी हो रहा है, अगर देखिएगा बेटर रहेगा कि अगर जो लॉकडाउन था जिसमें एक बंदा भी अगर कोई एरिया से जाएगा जाकर मंथली पे, अगर मंथली जो बिल रहेगा अगर वो मतलब जो घर वालों को देगा तो जो है ना वो हिसाब से चार्जर आता था। यहाँ पर ऐसा है कि 90 डेज के बाद में देने की वजह से यूनिट्स बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से चार्जर ज़्यादा आ रहे हैं। जो एंड ऑफ द डे मतलब जो है ना जो यूज़ कर रहा है यूज़र उसके ऊपर जो है ना बर्डन रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि बहुत सारे लोग जो गरीब है, जो मतलब जो भी नॉर्मल एरियाज लो लाइन एरियाज में रहते, मतलब जो गरीब एरियाज में रहते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि इनकम अगर किसी के पास नहीं रहेगी तो वो चार्जेस पे करे, एक्सपेंडिचर कहाँ से लाएगा। तो बेटर है, हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जैसे गवर्नमेंट हर आदमी को सपोर्ट करती है और फ्रेंडली गवर्नमेंट भी है, जैसे गरीबों को हर जगह से मदद की है, तो यहाँ पर भी एक रिक्वेस्ट है कि जो 3 महीने का जो चार्जेस है उसको ना के स्लैब वाइज ले, यानी कि एक ही प्राइस, यानी कि अगर 4 रुपीज़ यूनिट और 5 रुपीज़ यूनिट जो भी रहेगा वो हिसाब से अगर लेंगे तो जो है ना एक रिलीफ रहेगा जो भी कस्टमर्स के लिए, जो भी जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने आएंगे उनके लिए भी एक रिलीफ रहेगा और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। जो भी गरीब रहेंगे वो सोचेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो है बेटर, देखिए माफ़ नहीं कर रहे वो बेटर है, मतलब माफ़ नहीं कर रहे हैं, समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है ना उसके भी कुछ काम रहे तो मतलब जो भी इनकम रहेगी उस पर जो है ना बर्डन नहीं कर सकते, बट जो है ना थोड़ा रिलीफ अगर कंज्यूमर्स को देंगे ना तो वो एक बेटर मैसेज जाएगा। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है KDR साहब से, KCR साहब से, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नमेंट है, वी एग्री दैट। यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉब्लम अगर कस्टमर्स को आ रही है अगर ये भी सॉल्व कर देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। शुक्रिया। Thank you.